ख्याल से वही साहब, ये पीटीआई लेवल धरने नहीं है। आपने अगर धरना देना है तो आपने पहले तो इस्तीफे देने हैं, ताकि धरने में तो डिमांड ही नए इलेक्शन की होगी ना। आप खुद इस्तीफे देने को तैयार नहीं है, धरने दिए बाहर बैठे हैं। जिस तरह पीटीआई ने धरने इस्तीफे दिए थे, कम से कम उन्होंने दे तो दिए थे कि वो एक्सेप्ट नहीं हुए थे, बाद में वापस आके बैठ गए थे। मुझे मुझे बाय द वे एक ही डर नजर आ रहा है नवाज शरीफ और फजल रहमान। मेरे ख्याल से वो रेजिग्नेशन एक लम्हे में दे देंगे। उनको प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि रेजिग्नेशन की सूरत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चाहे शैम क्यों ना उनकी नजर में हो, जब इस हद तक अंडरमाइन हो जाएगी तो वो वैक्यूम में हो कुछ भी सकता है। आई थिंक वो थोड़ी सी पाकिस्तान की हिस्ट्री जिस तरह से वैक्यूम में जो भी हो, वैक्यूम में जो भी हो, वो जमहूरियत के आई थिंक मियां साहब के लिए कोई इशू नहीं है रेजिग्नेशन देना। वो दो लम्हों में देंगे रेजिग्नेशन। मियां साहब की अगर जाती तौर पर रेजिग्नेशन की बात थी तो वो तो आ चुकी होती। फजल रहमान साहब की तो है ही कोई दो रेजिग्नेशन, वो भी आ चुकी होती। बात तो यही है ना कि पीडीएम 11 की 11 जमातें सेम पेज पे रहे, और वो सेम पेज पे इस तरह रहे कि पीपल्स पार्टी जो कि सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर बाय सीट्स है, वो भी उनके साथ हो। अगर इस्तीफे नहीं दिए तो धरना ही नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोज हो जाएगी वो सारी जमातें जो धरना देने जा रही हैं अगर वो इस्तीफे देने को तैयार नहीं। और अगर इस्तीफे दे दिए और धरना हो गया तो फिर और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन वो इस्तीफे अगर देंगे तो या तो सब साथ देंगे या उस पॉइंट पे पीडीएम टूट जाएगी। उस पॉइंट पे देखें, धरना देने वही लोग आएंगे जो अपनी सारी किस्तियां जला चुके हैं। आप उसी हाउस में बैठ के कानून साजी का हिस्सा बनते हुए उस हाउस की लेजिटिमेसी को अलग तरह से क्वेश्चन तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद बैठ के जो इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब ने किया था वो नहीं कर सकते। वो सिर्फ आप जज कर सकते हैं जब आप कंप्लीटली उस हाउस को इलीगल करार दें अपनी नजर में। आई डोंट एग्री, although उसूलन आप सही कह रहे हैं कि इन्हें करना यही चाहिए कि अगर ये कहते हैं ये शैम इलेक्शंस थे, ये शैम पार्लियामेंट है, तो पहले दें रेजिग्नेशंस। बट आई थिंक बावजूद इसके कि रेजिग्नेशंस, आपने एक और बात कही है ना, मुझे उसको उसके अंदर रेजिग्नेशंस की तरफ पीडीएम, देखिए पीडीएम जब भी रेजिग्नेशंस की तरफ जाएगी पीपीपी आउट हो सकती है, तो इसलिए वो एंड से पहले जाएगी नहीं रेजिग्नेशंस की तरफ। मेरे ख्याल में वो पीपीपी को एक एक इतने लेवल तक ले आएंगे कि पीपीपी भी शर्मिंदा फील करेगी अगर वो उस पॉइंट पे रिजाइन ना करे। बहरहाल आप या तो एक्सपोज हो जाएगी या तो वो एक्सपोज हो जाएगी। अब देखिए वो तो खैर देखा जाएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक विंटर आ रहा है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर इस वक्त तक भी नवाज शरीफ साहब और फजल रहमान साहब ये बात नहीं समझ पाए हैं, कम अज कम इन दोनों लोग और इन दोनों की पार्टीज, कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो जाए, लॉन्ग टर्म में उनके फायदे में भी में ही है कि अगर तो उनके कहने के मुताबिक ये कठपुतली सेटअप है तो इसको भेजा जाए, क्योंकि इस सेटअप से जो भी इसकी खामियां होती हैं वो उन लोगों के सर नहीं लगती जो कि एक्चुअल ब्रिंगर्स हैं इन लोगों के मुताबिक। लिहाजा कुछ भी हो जाए इस जमहूरी निजाम को तो आप जमहूरी कह ही नहीं रहे ना। स्पीचेस के बाद ऐसा हो रहा है, आई थिंक नवाज शरीफ की स्पीचेस के बाद ऐसा हो रहा है, व्हिच इज व्हाई आई थिंक कि यूं चल नहीं सकेगा। ये जिस तरह सिमर कर रहा है, ये एक तरफ बात होनी है इस तरह जी, तो जब आपने ऐसी स्पीचेस दे दी हैं, आपने ऐसी बातें कर दी हैं, आपने ये माहौल बना दिया है, लेकिन देन यू हैव टू ब्रिंग इट टू अ हेड, देन यू कांट गो बैक। फिर आप देखें अगर आप ये करते निकले हैं तो फिर आई डोंट थिंक मियां साहब, देखें मियां साहब को खान साहब चाहे नो कॉन्फिडेंस के जरिए से चलते नजर आए या ये जनरल इलेक्शंस हो जाए उसकी वजह से तो ठीक है, वरना मियां साहब के लिए अब वे बैक है भी नहीं। तो इमरान खान साहब के जाने के अलावा मुझे नहीं नजर आ रहा है। नहीं साहब, मेरे ख्याल से ये जो नो कॉन्फिडेंस वाली बात है ना, ये पीपल्स पार्टी की बात है ताकि वो अपनी सीटों पे रहें, और इनकी इस बात का हाजमा इस वक्त सिर्फ इसलिए है पीडीएम के फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब के अंदर कि वो उनके साथ चलते रहें, कि वो उनके साथ चलते रहें, वरना ये नो कॉन्फिडेंस है। नहीं, नो कॉन्फिडेंस सबसे आसान है क्योंकि जहां पे हैंडलर्स ने अपनी सपोर्ट हटाई नवाज शरीफ साहब के लिए काफी नहीं है, और ये मांग के अंदर सिर्फ इसलिए वो इस वक्त भर रहे हैं क्योंकि उनके साथ पीपल्स पार्टी चल रही है। मेरे ख्याल से अगर नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में खान साहब की हुकूमत चली जाती है तो बड़ा जनरल इलेक्शंस ही होंगे, तो मेरे ख्याल से नो कॉन्फिडेंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है जो बिल्कुल इंप्लॉय करना चाहिए, अगर तो हैंडलर्स अपनी सपोर्ट खान साहब से हटाने को तैयार हैं, क्योंकि अगर वो नहीं तैयार। देखिए नो कॉन्फिडेंस में ये नहीं कह रहा कि नो कॉन्फिडेंस के बाद अगर जनरल इलेक्शंस हो जाए, जनरल इलेक्शंस के लवाजमात जो है वो तो नो कॉन्फिडेंस के थ्रू ही पूरे होंगे। बात ये है कि पीपल्स पार्टी इन हाउस चेंज मांग रही है,
और उस इन हाउस चेंज के लिए पीएमएल नून और फजल रहमान साहब तैयार उसके ऊपर नहीं है। लिहाजा पीपल्स पार्टी के साथ चलने के लिए फिल वक्त और उनको अपने साथ रखने के लिए इस फर्क है। देखें, नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में खान साहब कहते हैं मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा, तो अगर असेंबलियां वो तोड़ेंगे तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। खान साहब अपने आप को आज भी पॉपुलर समझते हैं और मेरे ख्याल से ये मुमकिन है कि वो नो कॉन्फिडेंस की सूरत में, अगर तो उनकी सपोर्ट नहीं, अगर पीएमएलके और एमपीएम हट चुके हैं, अगर ये बहुत बड़ा अगर, तो वो बिल्कुल असेंबलियां तोड़ सकते हैं और इलेक्शन की तरफ बात देखते हैं। रिजाइन नहीं करेंगे आप, धरना 5 लाख का कर लें, मुझे लगता है ये पेशेंगोई है, मेरी ओपिनियन है मेरा, मेरे ख्याल से अगर 5 लाख का धरना भी हो गया तो खान साहब रिजाइन नहीं करेंगे। नो कॉन्फिडेंस ही आपको लाना पड़ेगा या उनको आपको किसी और तरह हटाना पड़ेगा, वो रिजाइन नहीं करेंगे। दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। लिहाजा आईनी जब एक है नो कॉन्फिडेंस, तो ये तो बात फिर कहीं नहीं गई कि नो कॉन्फिडेंस शुरुआत होगी। बात इस वक्त ये है कि वो फिर इख्तिताम तक मान जाएंगे आपके बस यही काफ़ी है, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की राय है इस वक्त और उसके साथ बाकी पार्टीज इसलिए चल रही हैं, इसलिए वरना शायद पीपल्स पार्टी साथ चलना ही बंद कर दे।